ट्वेल्थ में परसेंटेज आए हाई है आपके, इस बार जो ट्वेल्थ रिजल्ट आया उसमें परसेंटेज अगर हाई है, अच्छे हैं, तो आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मेथाकॉम और मेथाकॉम आप लोगों का स्वागत करता है। आज का वीडियो ट्वेल्थ के PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पास करके आए हुए बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जब ट्वेल्थ में PCM ली थी तो उन्होंने एक ख्वाब सजोया था कि मैं आने वाले समय में इंजीनियरिंग में एडमिशन लूँगा और इंजीनियरिंग करूँगा। इंजीनियरिंग में किस तरह से एडमिशन लिया जाता है, रीप क्या है, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसकी डेट्स क्या है, फॉर्म फिलिंग की डेट्स क्या है, फॉर्म स्टार्ट होने की डेट क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपके एडमिशन किस तरह से होंगे, इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक बने रहें, ताकि आप लोगों को रीप का रिवाइज नोटिफिकेशन भी मिल जावे और रीप के थ्रू एडमिशन किस तरह से होता है राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज में वो भी पता चल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद हमें RTU कोटा की वेबसाइट के होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद जैसे ही आप एडमिशन में जाते हैं, एडमिशन पे जाने पर इस तरह की कोई स्क्रीन खिल कर आती है। यहाँ पे हमें जाना है रीप 2020, यहाँ क्लिक किया हमने तो इस तरह का कोई पेज ओपन हो के आता है। यहाँ क्लिक करने के बाद अभी नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे देगा, ये वाला नोटिफिकेशन रीप का 10 जुलाई को राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज RTU कोटा कॉलेज ने जारी किया था। आइए इसको देख लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद रीप का रिवाइज नोटिफिकेशन जो 14 जुलाई को जारी किया गया है वो भी देखेंगे और उसे भी समझेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा बीकानेर, तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर एन, इससे संबद्ध शासकीय स्वशासी अनुदान प्राप्त स्वपोषित निजी महाविद्यालयों MBM जोधपुर में संचालित अभियांत्रिकी MBA MCA पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में तथा CTI इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर के संचालित अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में राजस्थान राज्य और राजस्थान राज्य के बाहर अभ्यर्थियों हेतु 2020-21 के लिए प्रवेश सूचना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान राज्य के जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, MBA कॉलेजेस हैं और MCA कॉलेजेस हैं, उसमें प्रवेश लेने के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए 2020-21 के सेशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना है, उसके रिगार्डिंग यह प्रवेश सूचना दी गई है। अब इसमें राजस्थान के समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज तो इंक्लूड होते हैं, बट बिट्स पिलानी और MNIT इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसमें ये कहा गया था कि BTEC की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, JEE मेन पेपर जो हमेशा की तरह पहले भी रहती थी, बी आर्किटेक्चर की JEE मेन पेपर और नाटा का पेपर, MBA के CMAT का स्कोर कार्ड, MCA के लिए NIM सेट का स्कोर कार्ड को वरीयता दी गई। अभी इस नोटिफिकेशन को रिवाइज कर दिया गया है, यह नोटिफिकेशन अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो नया नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और रीप के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रीप क्या है, तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, एडमिशन एग्लेजन, इस वेबसाइट पर सारी डिटेल दे रखी है रीप के रिगार्डिंग, कि रीप है क्या, इसके एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होगा, एडमिशन प्रोसेस कब होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, काउंसलिंग कैसे होती है, सारी डिटेल है। और समय समय पर मेथाकॉम भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेता आएगा कि किस तरह से रीप में हमें रीप के थ्रू इंजीनियरिंग करनी है राजस्थान में। अब बात करते हैं द रिवाइज नोटिफिकेशन फॉर राजस्थान रीप इज अवेलेबल, ये रिवाइज नोटिफिकेशन अवेलेबल हो गया है 14/7 का, ये मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। मेन ही यहाँ देखना है कि रीप के थ्रू जो एडमिशन होता है MNIT जयपुर और बिट्स पिलानी को छोड़कर राजस्थान के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रीप के थ्रू एडमिशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं रिवाइज नोटिफिकेशन की। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये रिवाइज नोटिफिकेशन है रीप के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का। अब इसमें क्या कहा गया है, यहाँ इंपॉर्टेंट देने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए इसको, कि जो BTEC के लिए एडमिशन है क्या है उसकी एलिजिबिलिटी, पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन, क्या कह रहा है वो, पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन, 10+2 अगर उस बच्चे ने पास कर रखा है एडमिशन ले सकता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने, इसके अलावा उसने क्या कहा एलिजिबिलिटी के लिए, ऑब्टेन एटलीस्ट 40% इन केस ऑफ रिवाइज कैटेगरी, ट्वेल्थ में आपके कितने परसेंट होने चाहिए, 45% एटलीस्ट होने ही चाहिए अगर आप BTEC के राजस्थान के किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। तो पुरानी नोटिफिकेशन में जो JEE की बात कर रहा था वो एलिजिबिलिटी अब नहीं रही है, अब 12th के बेसिस पे ही आपको BTEC में एडमिशन मिल जाएगा राजस्थान के किसी भी कॉलेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से सुने और इस पर ध्यान से अमल करें।
अब तीसरा एलिजिबिलिटी बताइए, डिप्लोमा कर रखा है आपने 45% मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल रहेंगे बीटेक करने के लिए राजस्थान के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब बात आती है कि मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगी। मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी आप लोगों के परसेंटाइल बेसिस पे, 12th के जो परसेंटाइल है या परसेंटेज है उसके बेसिस पे आप लोगों के लिए मेरिट लिस्ट डेवलप होगी। उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको रैंक वाइज कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में हायर आते हैं तो हायर रैंक पे जो कॉलेज है राजस्थान का इंजीनियरिंग कॉलेज वो आपको अलॉट हो जाएगा। मतलब अगर 12th में परसेंटेज आए हाई है आपके, इस बार जो 12th रिजल्ट आया उसमें परसेंटेज अगर हाई है, अच्छे हैं, तो आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। इसके बाद नीचे चलते हैं हम लोग। ये वाली तो संस्था हेतु है, अभ्यर्थी हेतु आप लोगों का जो स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग की डेट जो है 30 जुलाई है। 30 जुलाई से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। फी का ₹250 उसकी फीस है और अंतिम डेट है 20 अगस्त 30 जुलाई से 20 अगस्त की डेट है। इस डेट में आप क्या कर सकते हैं, रीप का फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। वो फॉर्म आप RTU कोटा के साइट पर जैसा पीछे मैंने बताया वहाँ जाकर आप फिल कर देंगे। फिल करके आपकी परसेंटेज और उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बन जाएगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप लोगों ने क्या देखा, रीप की एलिजिबिलिटी चेंज हो चुकी है, यही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ, 12th क्लास वाले सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे ताकि वो भी एडमिशन ले सके, आने वाले समय में इंजीनियर बन सके। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।